विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। यानी कि भाषा शैली, विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा शैली जो है, भाषा शैली में अस्पष्टता आती है। आइए अब हम इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। निखिल, रोको मत, जाने दो। गौतम, रोको मत, जाने दो। इन दोनों वाक्यों में शब्द समान है परंतु अर्थ में बहुत अंतर है। पहले वाक्य में कहा गया है कि रोको नहीं, जाने दो। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि रोक लो, जाने ना दो। यानी कि एक में कहा गया है रोको नहीं, जाने दो, और एक में कहा गया है कि उसे रोक लो, जाने मत दो। तो कहने का अर्थ है कि दोनों वाक्य एक ही है लेकिन विराम चिन्ह के लगने से क्या हुआ है, उसका अर्थ बदल गया है। इन वाक्यों को बोलने में निखिल और गौतम अलग अलग जगह रुके, इस कारण अर्थ में अंतर आ गया। इसी रुकने को विराम कहते हैं और इसे प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि मौखिक भाषा में तो हम रुक कर अपनी बात को स्पष्ट कर लेते हैं लेकिन लिखित भाषा में रुकने के लिए, भाषा को स्पष्ट करने के लिए हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग विराम चिन्ह की परिभाषा को दोहराते हैं। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं और वो कौन कौन से हैं? कुल मिला के 10 विराम चिन्ह हैं जो आपके किताब में जो है केवल चार विराम चिन्हों का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी और कई विराम चिन्ह हैं जिसका उल्लेख आपको अगली कक्षाओं में दी गई है। आइए अब हम लोग इन चिन्हों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि ये चिन्ह कहाँ लगते हैं और कैसे लगते हैं। ठीक है, पहला हमारा है पूर्ण विराम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फुल स्टॉप। यानी कि पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाते हैं। जब हमारी बातें पूरी हो जाती है तो हम लोग अंत में क्या लगाते हैं? रुक जाते हैं। ठीक है, मौखिक में तो हम रुक जाते हैं लेकिन लिखित रूप में जब हमारी वाक्य पूरी हो जाती है तो हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। यानी कि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अल्प विराम, यानी कि आधा। ठीक है, थोड़ा सा, अल्प यानी कि थोड़ा, अल्प यानी कि क्या होता है? थोड़ा। जहां पे हम लोग थोड़ा सा रोकना होता है वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमा। कम समय के लिए रुकने पर लगाते हैं, यानी कि जहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा है प्रश्न सूचक, यानी कि जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या करते हैं, कोई हमसे प्रश्न करता है तो कौन है, कैसा है, कितना है आदि जब हम प्रश्न करते हैं तो वहां पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए विस्मय बोधक, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। बेटा, प्रश्न सूचक चिन्ह को हम लोग क्वेश्चन अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। चौथा हमारा है विस्मय बोधक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। यानी कि जब हमारे मन में कोई आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, कोई घृणा का भाव होता है, कोई दुख का भाव होता है, कोई खुशी की भाव होता है, या किसी भी तरह का भाव अचानक उत्पन्न होता है तो उस वहां पे हम लोग विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि छिप कितना घृणा का भाव अगर हमारे अंदर उत्पन्न है, कितना गंदा है, कितनी गंदी राइटिंग है, या कितना सुंदर घर है, वाह कितना सुंदर घर है, तो इस यहाँ प्रशंसा का भाव हुआ हा? तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे आंतरिक मन से जो भाव उत्पन्न होता है, और वह भाव घृणा भी हो सकता है, खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, आश्चर्य का भी हो सकता है, तो वहां पे हम लोग
उस शब्द को, यानी कि अगर घृणा का हो रहा है तो छी छी के बाद हम लोग विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, उस शब्द के बाद लगाते हैं, अंत में नहीं लगाते हैं, अंत में तो हम पूर्ण विराम ही लगाएंगे, लेकिन वाह यानी कि जो हमारे भाव से उत्पन्न हो रहा है, मन से उत्पन्न हो रहा है, उस शब्द को लिखने के बाद हम लोग विराम चिन्ह शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, पढ़ते हैं। सुनीता बाजार जा रही है, यहाँ क्या है, केवल पूर्ण विराम चिन्ह है। दूसरा है, वह बाजार से केले आम और सेब लाएगी। केले और सेब के बीच में आम, केले और आम के बीच में हम थोड़ा सा हमें रुकना पड़ा है, तो इन दोनों के बीच हम लोग क्या लगाएंगे, अल्प विराम। तीसरा, तुम कहाँ जा रहे हो। चौथा, वह कितना सुंदर चित्र है। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, हमने इस पाठ में यह पढ़ा कि विराम का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, ठीक है। और हमने ये भी सीखा कि विराम की विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है और विराम चिन्ह के कितने प्रकार है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, आइए फिर से एक बार दोहराते हैं। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। और